अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर ब्यूटीफुल डे। दिस इज मिकी ज़ैरा और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एकदम ठीक ठाक हैं। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि अभी हम लोग जा रहे हैं, सुबह के 10 बजे और हम लोगों को निकलना है शादी के लिए। आज हम शादी में जा रहे हैं अपनी दादी के रिलेटिव्स में, तो दादी की कुछ बहन बहन है रिश्तेदारी, वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो हम लोग जा रहे हैं, बस अब मैं रेडी होंगी, उसके रेडी होने के बाद आप लोगों से मिलूंगी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, पापा जा चुके हैं कार के लिए और मुझे दिल्ली से रेडी भी होना, मैं अब तक रेडी नहीं हो पाई हूँ। तो बस चलते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, न्यू ब्लॉग्स नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं भाई, जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो बस हम हो चुके हैं रेडी और अब हम निकलेंगे जल्दी से, पापा आ चुके हैं, जल्दी जाना पड़ेगा। तो बस मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ, पहले अम्मा को दिखाती थी, बहुत ही प्रीटी लग रही है। यहाँ खड़ी हो जाइए आप प्लीज। ओहो अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो बहुत ही बहुत अच्छा लग रहा है आपका लुक, माशाल्लाह वेरी नाइस। अस्मा पे तुम कहाँ पर हो, तुम भी अपना लुक दिखा दो भाई, जल्दी चलो, पापा की कॉल आ रही है। लाइट्स कर देते हैं ऑफ और चलते हैं, गेट भी बंद कर देते हैं। फोन्स ले लिए अपने? ओके चलो भाई। खाने लगे थे खाना, और खाना ही बहुत टेस्टी था। फिर हम लोग बातें बातें करने लगे, दादी दादी की बड़ी बहन बातें कर रहे हैं, उनके भाई और हम लोग सब बैठे हुए, बहुत मजे किए सबके साथ। उसे क्या पता, बरीक जी हमसे तो बताया कर रहे थे। A few moments later. तो शादी में जब वापस आ रहे हैं, दौड़ने जा रहे हैं, पहले हम लोग मिलने जाएंगे फिर दौड़ने जाएंगे। थोड़ी शर्म आ रही थी, चलता है, होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आता है, आदत हो जाएगी। आप लोग अपनी लाइफ दिखाना, डेली रूटीन दिखाना, अपनी वो अच्छा भी लगता है, लेकिन पब्लिक में भाई कैमरा ऑन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। स्पेशली हाँ, जब आप लोग रिलेटिव्स के बीच में हो ना, तो तब तो बहुत अजीब लगता है। आता है पापा जो है वो लगे अमरूदों में, ये देखे पापा चढ़ गए पेड़ के ऊपर और अमरूद तोड़ रहे हैं यहाँ से, जबरदस्त लाल लाल ताजे ताजे। हाँ हाँ करो, पकड़ो पकड़ो, आ गया। यहाँ बहुत अच्छे अमरूद आते हैं, बहुत मज़ेदार लजीज लजीज। चलो आगे आगे थोड़ा जाओ। क्या मांग रही है सबकी? वो वाला तो आया ही नहीं,
मेहनत का काम है अमरूद तोड़ना। मैं साले पेड़ पे से तोड़ती हूँ, ऊपर जाती हूँ और एक आधा अमरूद तोड़ के लाती हूँ, क्योंकि मुझे इस पेड़ के अच्छे लगते हैं और पापा को अंदर वाले पेड़ के अच्छे लगते हैं। पानी भर गया है, बंद कर दो भाई। और मुझे अच्छा लगता है इस पेड़ के अमरूद, बड़े मज़ेदार अमरूद होते हैं इस पेड़ के, तो मैं हमेशा इसी पेड़ पर आती हूँ अपने लिए तोड़ने। इस पेड़ के अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों। कहीं अच्छा सा दिख जाए मैं ले लूं। हाय 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 हाय, मुझे मिल गया एक ज़बरदस्त अमरूद। ये मैं तोड़ लेती हूँ और पहले अब इसको मैं वॉश करूँगी, उसके बाद मैं इसको खाऊंगी। लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, बस अब हम लोग जाने लगे वापस घर। बाय से बाय। चलो हम जा रहे हैं, चलो भाई चलते हैं। खुदा हाफिज। से हाय। मेरा गेम कार्ड। तुम्हारा गेम कहाँ पर है? हाय। मेरा गेम कार्ड। दिखाओ। ये कौन सा गेम खेल रहे हो? गेम कार्ड। कौन सा है? गेम कार्ड। कार्टून? ला दो मुझे फोन। मैं आई। तुम ही तो बोल रहे हो गेम कार्ड। नाम बोल रहा है। अच्छा गेम कार है, गेम कार। हाय। अच्छा भी कर ले वहाँ पे। अंदर नहीं जा रहे क्या यहाँ पे? बंद है, उधर से जा सकते हैं। इधर से कर ले, जो बरात है। कौन है? अच्छा लग रहा है पत्थर लग के, तो वाइट नहीं है ये। वाइट नहीं है। तो भाई अब हम आ गए हैं अपनी पापा की फूफो के घर। सुबह से जो निकले हैं ना भाई, घूमे घूमे जा रहे हैं, इधर गए उधर गए, फिर महल, पहले मेरठ चले गए, फिर जो है वो महल गए थे, और अब आए यहाँ पर। और पापी क्या कर रही है? क्या? और असम पप्पी यहाँ पे बैठ के चाय बना रही है। मज़ा आता है ऐसे बनाने में ना असम पप्पी? तो मज़ा आ रहा है? अच्छा लगता है इस तरीके से करने में, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग बस अभी चाय वाय पी के और थोड़ी सी बातें शाते करके निकल जाएंगे अपने घर के लिए वापस, क्योंकि सुबह ही फिर कॉलेज भी जाना है। बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है आज तो भाई, लिटरली सुबह से निकले हैं, रात हो गई है। हर घर में गए, हर घर में। हाँ हर घर में, हर घर में, हर मतलब नहीं नहीं हर घर में नहीं, अपने रिलेटिव्स में काफ़ी जगह गए, काफ़ी जगह काफी जगह गए सुबह से घूम रहे हैं। बहुत थक चुके हैं लिटरली यार। अब तो असल में तुम्हें हुई है थकान या नहीं? तो तुम कॉलेज जाओगी? हाँ कॉलेज जाऊंगी, लेकिन थकान बिल्कुल बिल्कुल एहसास ही। अच्छा एहसास ही नहीं है? बिल्कुल नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। भाई मुझे तो है एहसास। अच्छा तुम्हारे व्लॉग में तो तुम बहुत ज्यादा थक गई थी, फिर क्या बात थी? वहाँ तो तुम मैं थक गई। अब क्यों नहीं थकान हुई? तुम सुबह से निकली हो, चल चल कर थक गई ना, अब तो गाड़ी बैठ के चल रहा है। नहीं मुझे ना, मुझे कार में बैठ के भी थोड़ी हो जाती है यार, पैर दुख जाते हैं बैठे बैठे, पता है मुझे। इसलिए पहले बताया था तुझे, मैंने बताया था ना कि मुझे बैठ के ज्यादा थकान होती है। कहीं चल के थकते हैं। मैंने मुझे लगता है कि बैठ के ज्यादा इंसान थक जाता है। कहाँ तक पहुँची है चाय? चाय। और पता है ये हमारी दादी के घर, मतलब पापा की फूफो के घर ना, जो पकड़ने के लिए होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, पकड़, वो अलग तरीके से होती है। और यहाँ पर इस तरीके के सब पुराना मॉडल इस तरीके से, और फिर ऐसे पकड़ लेते हैं। अरे पुराना मॉडल क्या है, तो होती है जो चाय की जो वो होता है ना, क्या होता है, पकड़ा भी नहीं जा रहा, बड़ा डर लग रहा है, चाय ना कैसे। आदत नहीं है ना इस तरीके से पकड़ने की, इसलिए पकड़ा नहीं जा रहा है। बहुत ही चाय वाय दो जल्दी जल्दी।
और चलना है भाई, दिल्ली के लिए निकलना है, बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। मुझे चाय चीनी कहाँ रखी है? पता नहीं कहाँ रखी होगी, देखो वहाँ पे होगी साइड में। अच्छा भाई चाय पीते हैं फिर निकलते हैं, ठीक है बाद में बात करते हैं हम आपसे। हमें लगा था कि अम्मा के घर वाला लास्ट था, लेकिन अभी लास्ट नहीं है, अभी हम आए अपने चाचा के घर, तो सब इनके घर से होके फिर हम वापस जाएंगे। तो अभी इनके घर आए, मुझे तो लगा था वहाँ सिर्फ लास्ट है हमारा, अभी इनके भी आए। बस अब हम आ गए घर और भाई बहुत ज्यादा थक चुके हैं, पूरे दिन से चले हुए, मतलब हम लोग कितने धौरली के अंदर ही हम लोग पांच घर में गए, इतना थक गए थे। अब हम लोग इस वक्त घर पहुंचे हैं और सुबह उठना है, कॉलेज के लिए भी जाना है। तो बस अब मैं आई हूँ, अब रेस्ट करेंगे। नींद जैसे आपको मेरे फेस से तो लग ही रहा होगा, कितना ज़्यादा फेस अजीब सा हो गया है क्योंकि ट्रैवलिंग करते करते और नींद इतनी तेज़ आ रही है। एक तो कार में हमेशा मुझे बैठते सोना होता है, तो कार में इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है नींद हद से ज़्यादा, तो भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। आसमान पे ऐसे क्यों देख रही हो, तुम्हें नींद कैसा लगा तुम्हें आज जाके? बहुत ज़्यादा, मतलब इस टाइम में इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना कि मेरा आँखें खोलना कभी ना मन नहीं हो रहा, ऐसा मन कर रहा है ना बस सो जाऊँ। अब मुझे ये सोच के टेंशन हो रही है, मुझे कपड़े चेंज करने हैं और फिर सोना है, सही में चेंज करने का ही मन नहीं हो रहा। और जब जाते हैं ना तो पापा हर जगह लेके जाते हैं, फिर सही में पापा का मन करता है ना गांव जाने के बाद कि यहाँ भी चलो यहाँ भी चलो यहाँ भी चलो, हर घर में जाते हैं। हाँ भाई, मतलब हर किसी के घर गए हम लोग, पापा के साथ एक बार बस निकलना होता है, उसके बाद हर घर में चले ही जाते हैं। और आज तो काफी सारे मुलाकातें की हैं हम लोगों ने, तो वैसे अच्छा भी बहुत लगा, मजा ही बहुत आया। मजा आता है क्योंकि जब हम लोग शादी में गए तो उधर दादी के भाई बहन ये लोग सब मिले, आपने जैसे व्लॉग में देखा ही है, सब लोग बैठे हुए थे, डिस्कशन चल रहे थे, बातें चल रही थी, पुरानी बातें कर रहे थे सब लोग अपनी। उसके बाद फिर हम लोग मेरठ आ गए थे, देन उसके बाद हम लोग गाँव गए थे और वहाँ पे जाके भी बहुत मजा आया क्योंकि वहाँ पे भी सब इकट्ठे थे, तो वहाँ पे बहुत मजा आया। तो भाई यही चलती है हमारी जिंदगी, बस घूमने फिरना मस्ती करना यही चलता रहता है। तो अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, टाटा बाय बाय, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।